फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि पूरी धरती पर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी कुछ नहीं होता। अब ये दिखाते हैं कि एक एलियन शिप आता है और धरती पर पहले से एक एलियन है जो समंदर के किनारे, झरने के किनारे आता है और वहां पे वो कुछ लिक्विड पीता है। लिक्विड पीने के साथ ही उसकी बॉडी मेल्ट हो जाती है और वो झरने के साथ, पानी के साथ बह जाता है। और पानी के साथ बहने के बाद ये दिखाते हैं कि उसके डीएनए से धरती पर जीवन शुरू हुआ। इस सीन के बाद ये दिखाते हैं कि अब 35,000 साल बीत चुके हैं और 35,000 साल बीतने के बाद इंसान बहुत ज्यादा विकसित हो गया है और कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें एक चित्र दिखता है। उस चित्र में एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है और ये चित्र देखने के बाद वो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसे चित्र और भी अलग अलग देशों में मिले थे जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था उस जमाने में, यानी कि 25,000-35,000 साल पहले। उस जमाने में ना कोई हवाई जहाज थे ना कुछ थे, लेकिन हर जगह इतनी दूरी होने के बाद भी एक ही जैसे चित्र क्यों मिले। वो ये अनुमान लगाते हैं कि हमें हर जगह एक जैसे चित्र इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो जो इंसान उन तारों की तरफ इशारा कर रहा है, हर जगह वो एक ही तारा मंडल होता है जिसकी तरफ वो इंसान इशारा कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए ये एक इन्विटेशन है, जिन लोगों ने हमें बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे, उन तक पहुंचे। अब ये जो कुछ भी फिल्म में सीन्स चल रहे हैं, जो कुछ भी कहानी चल रही है, ये सन 2091 है, यानी कि आज के समय से भी बहुत आगे की बात चल रही है। यानी कि फिल्म में सन 2091 दिखाया गया है। इसके बाद ये 17 लोगों की एक टीम बनाते हैं और टीम बना के स्पेसशिप में उसी तारा मंडल की तरफ जाते हैं जो चित्र में दिखाया गया था। अब वो 17 के 17 लोग उस स्पेसशिप में स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर होते हैं और वो उस स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर 28 महीने तक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसान जिंदा होता है। दरअसल ये इंसान नहीं होता, ये एक रोबोट होता है और इसका नाम होता है डेविड। अब 28 महीने की लंबी यात्रा के बाद वो उस ग्रह के पास पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। इसके बाद वो सबको एक एक करके स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं, सब उठ जाते हैं। अब वो धीरे धीरे अपना स्पेसशिप उस ग्रह के पास ले जाते हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी के जीवन के वहां पे कोई लक्षण नहीं दिखते। लेकिन जब वो अपना स्पेसशिप दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से ले जाते हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्शन, एक स्ट्रक्चर दिखता है। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ नहीं बनाती, क्योंकि वो एक सीधी लाइन में स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं कि तुम वहां स्पेसशिप उतारो, वहां जरूर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और वो धीरे धीरे अपना स्पेसशिप उस स्ट्रक्चर के पास उतारते हैं और जब उनका स्पेसशिप वहां पे लैंड करता है तो सब शॉक्ड भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि वो कोई कुदरती स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके बाद उनमें से एक बोलता है कि हमें अभी वहां जाना चाहिए। तभी स्पेसशिप का पायलट बोलता है कि रात होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी है, तो हम कल सुबह चलते हैं। लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं देखना चाहता हूं कि वहां पर है क्या। इसके बाद सब अपना स्पेस सूट पहनते हैं और उस जगह जाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो वायुमंडल है, वो ठीक पृथ्वी के जैसा है, लेकिन इस वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 3% ज्यादा है, इसलिए वो सांस लेते मर जाएंगे। और सांस लेने के लिए सब हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, सब हेलमेट पहनते हैं। जब सब हेलमेट पहन रहे होते हैं तो डेविड जो कि एक रोबोट है वो भी हेलमेट पहनने लग जाता है। तो चार्ली उसे बोलता है कि तुम हेलमेट क्यों पहन रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो। तो डेविड उसे बोलता है कि मैं इसलिए हेलमेट पहन रहा हूं ताकि मैं इंसानों जैसा लगूं। चार्ली डेविड से हमेशा एक तंजिया लहजे में बात करता है और डेविड एक ऐसा रोबोट है जिसको आप पूरी मूवी में पहचान ही नहीं पाओगे कि ये एक रोबोट है, लेकिन वो एक रोबोट ही होता है। अब वो सब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो अपने स्कैनर्स छोड़ते हैं ताकि वो उस पूरी गुफा का जो पूरा एरिया है उसका एक स्कैन करके उसका एक मैप बना लें। और वो जो स्कैनर होते हैं, वो जो उनके स्पेसशिप में एक आदमी होता है, उसको पूरा स्कैन करके वहां पर दिखा रहा होता है। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। उनमें से एक लेडी बोलती है कि सूरज की गर्मी से मॉइस्चर नमी बनकर ये पानी यहाँ पे गिर रहा है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर में देखकर बोलता है कि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से पृथ्वी की तरह है और यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं। अब चार्ली अपना हेलमेट उतारना शुरू करता है। चार्ली की गर्लफ्रेंड मिस शॉ उसे मना करती है कि हेलमेट मत उतारो, लेकिन वो अपना हेलमेट उतार देता है और उतारने के बाद उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वहां का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इसके बाद एक एक करके सबके सब अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब इसके बाद जब सब आगे जाते हैं तो डेविड जो कि एक रोबोट है उसको दीवार में कुछ निशान दिखते हैं और उन निशानों में ग्लू जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब डेविड उन निशानों के हिसाब से उनमें उंगली से लाइनें खींचता है। तभी होता है क्या, वहां पर बड़ी बड़ी आकृतियों की शेडोज आती हैं और उनसे होते हुए आगे निकल जाती है। ये देख के सब सख्ते में आ जाते हैं, सब डर जाते हैं और वो उन आकृतियों का पीछा करते हैं। तभी क्या होता है कि सारी आकृतियां तो निकल जाती है, एक आकृति भागते भागते गिर जाती है और इससे पहले कि वो उठ के दरवाजे के उस पार जाए, ऊपर से एक दरवाजा आता है, उसके बीच में वो फंस जाता है। इसके बाद अंधेरा हो जाता है। उसके बाद वो टॉर्च चला के देखते हैं तो सच में वहां पर एक लाश पड़ी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। अब आप ये समझ लें कि ये आकृतियां थी क्या। जैसे हमारी इस दुनिया में CCTV कैमरे होते हैं,
वैसे ही उन लोगों की दुनिया में ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि वो चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये वो इंसिडेंट होता है जो आज से हजारों साल पहले घटा था, बस इनको उसका एक चित्र, एक पिक्चर दिखाई देती है। अब उस लाश का धड़ तो उनकी तरफ होता है, लेकिन उसका सर दरवाजे के उस तरफ होता है, लेकिन दरवाजा खोले कैसे? तभी डेविड दीवार पे उंगलियों से कुछ लकीरें खींचता है जो कि एक कोड होता है दरवाजा खोलने का, और दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के उस तरफ सच में उसका सर होता है। अब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है और वहां पर घड़े टाइप के कुछ रखे होते हैं। अब उनके वहां पर जाने से वहां के वातावरण में कुछ बदलाव आ जाते हैं और वो पेंटिंग जो ऊपर बहुत बड़ी होती है वो गलना शुरू हो जाती है। तभी मिशॉ उन सबको बोलती है कि हमारी वजह से इस वातावरण में कुछ बदलाव आ गए, जल्दी वापिस चलो। अब डेविड जो कि एक रोबोट है वो देखता है कि एक मटके में से काले रंग का कुछ लिक्विड निकल रहा होता है, और जब उस लिक्विड को चेक करता है वो कहता है कि जीवन के निशान, यानी कि जो एलियंस थे वो यहाँ पर नई नई प्रजातियां बना रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इंसान को बनाया था उसी तरह से वो यहाँ पर कुछ नई प्रजातियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी उनके स्पेसशिप से उन्हें कॉल आता है कि जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम स्पेसशिप के दरवाजे बंद कर देंगे। और डॉक्टर शॉ जल्दी से उस एलियन के सिर को एक बैग में रखती है और वापस जाने की तैयारी करते हैं। और डेविड जो कि वहां पर उन घड़ों में जो लिक्विड आ रहा था उससे निकलता हुआ देख रहा था, वो क्या करता है कि एक मटके को, एक जो घड़ा टाइप का होता है, उसको अपने साथ ले जाता और किसी को नहीं बताता। अब डेविड ऐसा क्यों करता है ये आपको आगे पता चलेगा। और अब जब वो पिरामिड से स्पेसशिप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सीन है क्योंकि तूफान आ चुका है, और जैसे ही वो स्पेसशिप में पहुंचने वाले होते हैं कि वो सिर, जो एलियन का सिर होता है, वो बाहर गिर जाता है और डॉक्टर शॉ उसको बाहर लेने के लिए जाती है, उसको चार्ली बचाता है। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सीन है। अब बड़ी मुश्किल से ये सब स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके दो लोग, उनके दो साथी वहीं पिरामिड में फंसे हुए हैं क्योंकि जब ये सब वापस आ रहे थे तो वो उनके साथ नहीं थे, उनसे अलग हो गए थे। तो उन लोगों को वो वायरलेस पे बताते हैं कि आप आज रात को वहीं रहना क्योंकि तूफान आ चुका है और सुबह हम तुम्हें वापस लेने के लिए आएंगे। अब डेविड जो वहां से मटका टाइप का लिखा है उसे खोलता है और उसके अंदर तीन ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स को निकालता है तो उसमें देखता है कि डीएनए होता है। डेविड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो डॉक्टर शॉ का बॉयफ्रेंड है, तो क्या करता है उसके ड्रिंक में वो डीएनए मिला देता है और उसको पिला देता है। इसके कुछ कारण ये भी है कि डेविड चार्ली से पूछता है कि तुम अपने सवालों के जवाब जानने के लिए किस हद तक जा सकते हो, तो चार्ली बोलता है कि किसी भी हद तक। इसका एक कारण ये भी जाना जाता है कि डेविड ये जानना चाहता था कि इस वायरस का ह्यूमन बीइंग पर, उसकी बॉडी पर क्या असर होगा। तो इन सब रीजंस की वजह से डेविड चार्ली को वो ड्रिंक पिलाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शॉ जो उस एलियन का सिर लेके आई है, अब उस पे वो रिसर्च करना शुरू करते हैं, उस पे वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसके सेल्स को करंट देते हैं तो उस सिर में जान आ जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और करंट बढ़ता रहता है और वो सिर फट जाता है। उसके बाद वो उसका डीएनए चेक करते हैं उस एलियन का, तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका डीएनए और ह्यूमन का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है। तो डॉक्टर शॉ बोलते हैं कि हम इनमें से एक हैं, यानी कि इन्हीं के हम वंशज हैं। अब उसी रात को चार्ली और डॉक्टर शॉ के बीच में संभोग होता है और सुबह सुबह उन्हें कॉल आती है कि हम जल्दी से वापस पिरामिड में जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने साथियों को लेके आना है, उनकी वहां से कोई खबर नहीं आ रही। अब रात को क्या होता है कि जो दो लोग पिरामिड में रह गए थे उन लोगों को वहां पर एक सांप सा दिखता है, और ये सांप कहां से आता है, ये जो लिक्विड वहां से रिस रहा था, जो लिक्विड वहां से निकल रहा था, उसी में से एक जीव का जन्म हो जाता है और वो सोचते हैं कि नॉर्मल सांप है, वो बहुत खतरनाक होता है और वो उन दोनों को मार देता है। जब सुबह वो सारी की सारी टीम वहां पे पहुंचती है तो उन्हें उनकी लाशें मिलती हैं। उन्होंने एक दिन पहले जो स्कैनर उस गुफा में, उस पिरामिड में छोड़े थे, वो एक जगह जाके रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे दरवाजे होते हैं। अब डेविड अकेला उस तरफ जाता है और वो देखता है कि वहां पे दरवाजा है। वो उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि वो बहुत ही अलग टाइप का एक चैम्बर होता है, कमरा होता है, जहां पे कुछ स्लीपिंग चैम्बर्स भी होते हैं और वहां पे एक चेयर होती है। अब डेविड देखता है कि वहां पर कुछ बटन्स हैं और जब उन बटन्स को दबाता है तो देखता है कि फिर दोबारा से एक पिक्चर चालू हो गई है, जैसे एक दिन पहले एक्सरे टाइप की पिक्चर शुरू हुई थी वैसे ही, वो वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप। और वो उसमें देखता है कि कुछ एलियंस आते हैं, एक एलियन चेयर पे बैठता है, वो कुछ बटन्स दबाता है और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा होता है वो ऊपर विजिबल हो जाता है। ये सीन इस पिक्चर का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। उसके बाद जब वो पूरा ब्रह्मांड का नक्शा आ जाता है तो वो देखता है कि वो एलियंस इस ग्रह से पृथ्वी पर जा रहे थे, और उसके बाद एक एलियन दूसरे एलियन से कुछ बात भी करता है। ये सब होने के बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और वो एक स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है और वहां देखता है कि उस चैम्बर के अंदर एक एलियन अभी भी है जो सोया हुआ है और जिंदा है। अब जब सब पिरामिड के अंदर होते हैं तो अचानक से चार्ली की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रात पहले डेविड ने उसके ड्रिंक में जो डीएनए मिलाया था उसके रिएक्शन, उसके असर अब होना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर शॉ जब चार्ली की आंखें देखती है तो सबको बोलती है कि जल्दी वापस चलो क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई है। वो वायरलेस से अपने स्पेसशिप में जो लोग होते हैं उनको कॉल करते हैं, उनको बोलती है कि पीछे का दरवाजा खोल दो, हम लोग आ रहे हैं। अब जो इसकी हेड होती है, स्पेसशिप की हेड होती है, वो बोलती है कि मैं किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड आदमी को अपने स्पेसशिप में नहीं आने दूंगी क्योंकि सबकी जान को खतरा है। अब वो दरवाजा नहीं खोलती, सब बाहर पहुंच गए। तभी वो एक आग की मशीन लेकर आती है और बाहर आ जाती है और कहती है कि सब हट जाओ, मैं इसे मार दूंगी।
डॉक्टर शॉ और सब उसको मना करते हैं, लेकिन चार्ली खुद ही बोलता है कि मुझे मार दो, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है और सबके लिए खतरा बन चुका है। और स्पेसशिप की कैप्टन उसे जला देती है और इस सदमे से डॉक्टर शॉ बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो डेविड उसका कुछ चेकअप कर रहा होता है, और चेकअप करने के बाद डेविड उन्हें बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप मां बनने वाली हो। इस बात से डॉक्टर शॉ एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी और इस वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। वो उन्हें बताता है कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है, कोई आम बच्चा नहीं, बहुत ही अलग बच्चा है। डॉक्टर शॉ बोलती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन डेविड उन्हें मना कर देता है। अब डॉक्टर शॉ बोलते हैं कि मैं इसे अपने पेट से निकालना चाहती हूँ, लेकिन डेविड बोलता है कि ये यहाँ पर संभव नहीं है, हम आपको स्लीपिंग चैम्बर में वापस डाल देंगे और धरती पे जाने के बाद आपका इलाज करेंगे। तभी डॉक्टर शॉ को पेन शुरू हो जाता है, डेविड उन्हें एक इंजेक्शन देता है और उससे वो बेहोश हो जाती है। अब इनके पेट में गर्भ 3 महीने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 महीने पहले तो स्लीपिंग चैम्बर में थे और चार्ली के साथ संभोग उन्होंने एक दिन पहले किया था। तो ये असाधारण गर्भ उनके पेट में इसलिए आता है कि जो डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में डीएनए मिलाया था, ये उसी का परिणाम होता है। अब डॉक्टर शॉ जब होश में आती है तो देखती है कि 2 लोग उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनसे लड़ झगड़ कर उनको मार के एक कमरे में भागती है, और उस कमरे में एक बहुत ही एडवांस मशीन होती है जो हर तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम थी। वो उस मशीन को कमांड देती है कि मुझे सिजेरियन करना है, और वो मशीन के अंदर लेट जाती है। यहाँ पर जो पूरा सीन है, जो पूरा फ्रेम, पूरा सीन बनाया गया, ये बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद वो अंदर लेट जाती है और उसका सिजेरियन ऑपरेशन होता है। उन्हें बहुत पेन होता है और उनके पेट से कीड़ा निकलता है, और बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर अपनी जान बचाकर निकलती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वहां से डॉक्टर शॉ एक दूसरे चैम्बर में जाती है, वहां देखती है उनकी पूरी टीम खड़ी होती है, और वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है, और ये बूढ़ा आदमी अभी अभी नींद से जगा है, यानी कि अभी अभी स्लीपिंग चैम्बर से उठा है। अब इस बूढ़े आदमी के बारे में भी समझ ले कि ये कौन है। ये वो आदमी जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया, इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, और इस शिप में जो लेडी होती है, जो इसकी कैप्टन होती है, ये उसके पिता भी हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा क्यों लगाया, क्योंकि इनकी उम्र 100 साल है, और पृथ्वी पर डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली इन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर जिन्होंने हमें बनाया है, हमने उन्हें ढूंढ लिया, तो वो हमें बचा भी सकते हैं, हमारी उम्र बढ़ा भी सकते हैं, हमें जवान भी कर सकते हैं। और एक यही कारण होता है कि ये इनके साथ यहां तक आते हैं और इस सारे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाते हैं। डॉक्टर शॉ ने बताते कि वो सब मर चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी डेविड बोलता है कि वो सब नहीं मरे, एक अभी भी जिंदा है, वो स्लीपिंग चैम्बर में है, और अब हम उसी से मिलने जा रहे हैं। अब सब वहां जाने की तैयारी करते हैं, तभी डॉक्टर शॉ के पास एक आदमी आता है जो इस स्पेसशिप का पायलट है। वो बोलता है ये एलियंस का घर नहीं है, ये वो जगह है जहां पर वो विनाश के हथियार बनाते थे, हो सकता है वो एक मिलिट्री हो, और उन्होंने यहाँ ये सब रिसर्च इसलिए किया क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि विनाश के हथियार अपने ग्रह पर बनाते। वो बोलता है कि उन सब घड़ों में एलियंस जीव भरे हुए हैं, उन्होंने उन जीवों को यहाँ बनाया, वो बाहर निकल आए और उन्हीं की मौत का, उन्हीं के खात्मे का कारण बन गए, और अब हमें घर जाना चाहिए। डॉक्टर शॉ बोलते हैं कि उनमें से अब भी एक जिंदा है। इसके बाद डॉक्टर शॉ और उनकी पूरी टीम दोबारा से पिरामिड में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड का स्कैन पूरा हो चुका है, जो पायलट और उनके सहयोगी अपने शिप में कर रहे होते हैं, और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अंतरिक्ष यान होता है। दूसरी तरफ अब पूरी टीम उस कक्ष में पहुंच चुकी है जहां वो एलियन सोया हुआ है। डेविड बताता है कि ये लोग यहां से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी शायद कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर शॉ बोलते हैं कि कहां जाने की तैयारी कर रहे थे। डेविड बोलता है कि पृथ्वी पर। वो बोलते हैं क्यों। डेविड बोलता है कि नई रचना से पहले वो पृथ्वी का विनाश करना चाहते थे। अब वो उस एलियन को जगाते हैं और डेविड को बोलते हैं कि उससे बात करो, क्योंकि डेविड को कई भाषाएं बोलनी आती हैं। डेविड उससे कुछ पूछता है पर वो जवाब नहीं देता, और डेविड का सर उखाड़ देता है और सबको मार देता है, पर डॉक्टर शॉ वहां से भाग जाती है। अब वो एलियन अपने शिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। इतने में डॉक्टर शॉ बाहर पहुंच जाती है और वो शिप के पायलट से बोलती है कि ये शिप यहां से टेक ऑफ कर रहा है, तुम्हें इसे रोकना होगा। वो बोलता है कि हमें कुछ नहीं करना, बस हम घर वापस जा रहे हैं। डॉक्टर शॉ बोलती है कि अगर तुमने स्पेसशिप को नहीं रोका, इस अंतरिक्ष यान को नहीं रोका, तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये शिप पृथ्वी पर जा रहा है उसका विनाश करने के लिए। अब जब वो अंतरिक्ष यान हवा में उड़ जाता है तो वो भी अपना शिप उड़ाते हैं और उस अंतरिक्ष यान से टकरा देते हैं, और वो दोनों शिप जमीन पर गिर जाते हैं। अब तक सब मर चुके हैं। डॉक्टर शॉ अब वापस अपने शिप पर जाती है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। तभी उसे लगता है कि वहां कोई और भी है, और वो उस जगह की तरफ जाती है जहां से आवाज आ रही होती है। जब वो वहां पहुंचती है जहां उसके पेट से वो कीड़ा निकला था, तो वो बाहर से देखती है कि वो अब बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तभी डेविड की आवाज आती है, वो बोलता है कि वो एलियन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें वहां से निकलना होगा। डेविड एक रोबोट है तो वो सर अलग होने के बाद भी बात कर सकता है। अब वो एलियन उस तक पहुंच जाता है। तभी डॉक्टर शॉ एक बटन दबाती है और एक दरवाजा खुलता है जहां वो विशालकाय जानवर होता है। वो उस एलियन को पकड़ लेता है और मार देता है।
डॉक्टर शॉ वहां से भाग जाती है। अब डॉक्टर शॉ पूरी तरह से गिव अप कर चुकी है। तभी डेविड की आवाज आती है, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। डेविड बोलता है कि मेरी मदद के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पर और भी बहुत सारे अंतरिक्ष यान हैं और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। अब डॉक्टर शॉ डेविड के पास पहुंचती है और उसे बोलती है, मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती बल्कि वहां जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियंस आए, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो। डेविड बोलता है कि ले जा सकता हूँ, पर वहां जाकर हासिल क्या करना चाहती हो। डॉक्टर शॉ बोलती है कि उन्होंने हमें बनाया फिर वो हमें मारना चाहते थे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें मारना क्यों चाहते थे। इसके बाद वो डेविड की बॉडी और सिर को अपने साथ दूसरे एलियन शिप पर ले जाती है और वो उस ग्रह से उस एलियन शिप में उनके ग्रह की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि वो जो एलियन नीचे मरा हुआ होता है उसका पेट फटता है और उसके अंदर से एक जानवर टाइप का निकलता है और वो जोर से चिल्लाता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी बना है, तो सेकंड पार्ट की कहानी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।